दोस्तों, क्या लगता है कि हैवी बॉडी और सिक्स पैक बनाना सिर्फ मर्दों का काम है? आज इस दुनिया में ऐसी भी महिलाएं हैं जो मसल्स और बॉडी के मामले में पुरुषों से भी चार कदम आगे हैं। ये ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि खूंखार और खतरनाक भी हैं। इनसे टकराने की हिम्मत तो बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर में भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार महिला बॉडी बिल्डर के बारे में। डोना मोरे दुनिया की सबसे ताकतवर महिला है। साल 2016 में इन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर महिला का खिताब जीता है। ये भारी भारी चीजें बहुत आसानी से उठा लेती हैं। इन्होंने 2019 में 170 किलो के 7 पत्थरों को बैरल के ऊपर सिर्फ 37 सेकंड में रखकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा भी ये 300 पाउंड के बड़े बड़े पत्थरों को भी बहुत आसानी से उठा लेती हैं। इन्होंने अर्नोल्ड चैंपियनशिप और स्टोन चैलेंज भी जीते हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को उठाना होता है। ये एनएचएस ग्रुप ऑफ नर्सिंग में भी काम करती हैं और 2 बच्चों की माँ भी हैं। आयरिश कायले, अगर आप ये सोचते हैं कि हैवी बॉडी सिर्फ मर्द ही बना सकते हैं, तो मिलिए आयरिश कायले से। इनकी बॉडी के आगे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी फीके नजर आते हैं। एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर है आयरिश कायले। अपनी इसी बॉडी के दम पर कई खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। आयरिश कायले ने अपनी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन किया है कि इनके सामने पुरुष बॉडी बिल्डर भी घुटने टेक देते हैं, और ये बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में मिस ओलंपिया इंटरनेशनल सहित कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। साल 2013 में कायले का नाम IFBB प्रो बॉडी बिल्डिंग की लिस्ट में टॉप पर था, जो महिला बॉडी बिल्डर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। नतालिया कुजनेत्शोवा, दोस्तों रूस की रहने वाली नतालिया एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर है। 31 साल की नतालिया ने महज 23 साल की उम्र में कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराए हैं, जिसमें डेड लिफ्ट, आर्म लिफ्ट और बेंच प्रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है। इतना नहीं, नतालिया वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। लोग इन्हें लेडी हल्क के नाम से भी जानते हैं। नतालिया जब 14 साल की थी, तब उन्हें लगता था कि वो बहुत ही पतली हैं, और इसलिए उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू की। कुछ समय बाद उनकी बॉडी का जैसा स्ट्रक्चर बना वो किसी ने नहीं सोचा था, और अभी भी नतालिया एकदम फिट है और दूसरों को फिटनेस ट्रेनिंग देती हैं। इसके अलावा वो खुद भी नए कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हैं। बता दें कि नतालिया ने बेंच प्रेस के दौरान 185 किलो का वेट लिफ्ट किया था, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। अलीना पोपा, दोस्तों अलीना को फिट और एक्टिव रहने का बड़ा शौक है, इसलिए उन्होंने बचपन में जिम जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब 19 साल की हुई तो उन्होंने अपने जिम में किसी को वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन में प्रिपरेशन करते देखा, जिसे देखकर ये बहुत ही प्रभावित हुई, और फिर इन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में कदम रखने की सोची। उन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग के शुरुआती सालों में ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और उनमें टॉप रैंक भी हासिल की। दोस्तों ये IFBB मिस ओलंपिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं, लेकिन दोस्तों 2015 में इन्हें इंजरी हो गई, जिस वजह से इन्होंने किसी भी कंपटीशन में कुछ समय के लिए भाग नहीं लिया। 2016 में इन्होंने वापस कमबैक किया, और कमबैक करते ही इन्होंने राइजिंग फिनिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। क्रिस्टीना निकोल, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में जिम जाना शुरू कर दिया था। हालांकि इनका इरादा बॉडी बिल्डिंग का नहीं था, बल्कि इन्होंने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और फिट रखने के लिए जिम जाना शुरू किया था। लेकिन जब उन्होंने अपने शरीर के गठन को देखा, तब क्रिस्टीना निकोल ने 2016 में अपनी बॉडी बिल्डिंग की करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2016 में NPC साउथ फ्लोरिडा चैंपियनशिप में भाग लिया और तीसरा स्थान हासिल किया, जिसके बाद इन्होंने जिम में कड़ी मेहनत की और 2019 IFBB शिकागो प्रो में अपनी वापसी की, जहां इन्होंने पहला स्थान हासिल किया और ये IFBB प्रो बॉडी बिल्डर बन गई। जूलिया विंस, मसल बार्बी के नाम से मशहूर जूलिया विंस रूस की एक वेट लिफ्टर है। इन्होंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए 15 साल की उम्र से ही जिम जाना शुरू कर दिया था। जूलिया अपने उपनाम मसल बार्बी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये दिखने में ही किसी खूबसूरत बार्बी डॉल की तरह लगती है, और अपनी इसी लुक के कारण ये इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी और रातों रात एक सोशल मीडिया स्टार बन गई थी। जूलिया बताती हैं कि उन्हें जिम जाने के लिए बस से 1 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। उन्होंने पावर लिफ्टिंग में कई खिताब अपने नाम किए हैं। जूलिया के रिकॉर्ड में 275 किलोग्राम का स्क्वाट, 175 किलोग्राम का बेंच प्रेस और 205 किलोग्राम डेड लिफ्ट शामिल है। 2016 में जूलिया एक पावर लिफ्टर आइकन के रूप में उभर कर सामने आई। क्रिस्टी हॉकिंस, दोस्तों इस खूबसूरत सी बॉडी बिल्डर को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये कोई आम बॉडी बिल्डर है, क्योंकि इनके बारे में आप जब सुनोगे तो दंग रह जाओगे। क्रिस्टी हर क्षेत्र में अपना नाम बनाने में सफल रही हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या बॉडी बिल्डिंग। हालांकि दोस्तों इन्होंने शुरुआत में जिम जाना इसलिए शुरू किया था
ताकि ये फिट रह सके। लेकिन जिम जाते जाते इन्हें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने का जुनून सवार हो गया। इसके बाद इनकी बॉडी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने इस बॉडी को बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। दोस्तों, इस खूबसूरत सी बॉडी बिल्डर ने एक पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक अनोखा मुकाम बनाकर सभी को चौंका दिया।